हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय जिनेन्द्र नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल आदाब वड़कम मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिल्म अवतार का एक गीत है हम सभी ने सुना होगा कि दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। कोई भी जन्म से सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं होता। हम सभी अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंसान कभी भी परिपूर्ण नहीं बन पाया है। सभी में कुछ न कुछ कमियां जरूर हैं। दोस्तों एक बार की बात है किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहा करती थी जो जंगल में सबसे सुंदर पक्षी थी। कोई भी उसकी सुंदरता की तारीफ कर देता था तो खुश हो जाती थी। वसंत का महीना था एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज से सभी के कानों को खुश कर रही थी। लेकिन जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो उसकी खुशी फीकी पड़ गई। उसे महसूस हुआ कि बेशक उसके पंख बहुत सुंदर है वो खूबसूरत भी बहुत है लेकिन वो कोयल की तरह गा नहीं सकती। अपनी इस बात से वो काफी दुखी हो गई। अपनी सारी परेशानी उसने अपनी बंदर दोस्त को बताई तो बंदर उसकी बातों को सुन सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि तुम कितनी मूर्ख हो तुमने ये तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है लेकिन क्या तुमने ये देखने की कोशिश की कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है। दोस्तों बंदर की ये बात हम सभी को कितनी गहरी सीख देती है। हम सभी को अपनी जिंदगी से काफी शिकायतें रहती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग काम और अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाया है। प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग प्रतिभा दी है फिर भी हम सभी इसी धोखे में जिंदगी भर रहते हैं कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा काबिलियत है दूसरे हमसे बेहतर। हम खुद की प्रतिभा को कभी नहीं पहचान पाते हम हमेशा खुद को कमतर रखते रहते हैं। खुद की प्रतिभा को कभी निखारते नहीं हम कभी उस पर गर्व नहीं करते। दोस्तों किसी ने क्या खूब लिखा है कि अपने आप को समझो खुद को मूल्य दो खुद का सम्मान करो खुद पर विश्वास करो क्योंकि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा आप में काबिलियत है इसीलिए कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह का हो रहा है समय और हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत कड़वे करेले छीलने के साथ। बड़ों को प्रणाम सादर चढ़ी पर छोटों को ढेर सारा बहुत सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आशा करती हूँ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है काफी अच्छा है अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश के साथ नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आपकी जागृति भी बहुत ठीक है। आज सुबह से ही मौसम काफी अच्छा है काफी सुंदर है तो हम भी बाहर ही लेकर के आगे करेले सारे छीलने के लिए। थोड़ा सा करेले को ऊपर से छील देते हैं तो कड़वाहट कम हो जाती है। बाकी करेले की सब्जी बनाने में दुविधा बहुत है। आदू और मम्मी को पसंद है करेले की भुजिया प्याज के साथ में और पापा को पसंद है करेले की कलौंजी। बाकी हमारी बात ही निराली है हमें करेला ही नहीं पसंद है। मम्मी आदू को कलौंजी कम भुजिया ज्यादा पसंद है पापा को कलौंजी ज्यादा भुजिया कम पसंद है। फिलहाल अभी समय है नवरात्रि का तो ना ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्याज ना ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं लहसुन का। इसीलिए ना ही हम आज बनाने वाले हैं कलौंजी ना ही हम आज बनाने वाले हैं भुजिया। आज हम बनाने वाले हैं करेले की कलौंजी वाली भुजिया। तो बस अभी गाना गुनगुनाते हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल और फिर इसके बाद हमने डाल दिया है अपने कटे हुए करेले। हल्दी और नमक डाल देना है और ढक्कन लगा के ढक देना है धीमी आंच पर करेले को पकाने के लिए। बिल्कुल अंत में जब हमारा भुजिया बिल्कुल पक जाएगा ना तब इसके पश्चात हम इसमें डाल देंगे कलौंजी का मसाला जो कि पहले से हमने बना के तैयार करके रखा हुआ है। दोस्तों जिंदगी दो पल की है इसीलिए हमेशा हंसते गाते और गुनगुनाते रहना चाहिए। बाकी एक तरफ हमने गैस पर चढ़ाया हुआ था फिटकरी पानी गर्म करने के लिए। हमारी जो गाय है ना सोमारी उसको पैर में पीछे ना सूजन हो गया है तो पापा ने दिया था फिटकरी और पानी गर्म करने के लिए सोमारी के पैर की सिकाई करने के लिए। बाकी यहाँ पर हमारे करेले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं तो अभी हमने इसमें डाल दिया कलौंजी का मसाला। ये कलौंजी का मसाला हमने पंचफूरन मसाला और धनिया पाउडर को पीस करके ना उसमें अमचूर थोड़ा सा मिला दिया है तो बस वही सारा मसाला है और हमने डाल दिया है अभी। आजकल ना पापा को खाना ही नहीं अच्छा लग रहा है उनका बिल्कुल खाना खाने का मन ही नहीं करता है। ऐसा कभी कभी हम लोग के साथ भी होता है ना कि कुछ भी अच्छा ही नहीं होती खाना खाने की खाना देख के ही मन भर जाता है खाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए आज हमने सोचा है रोज से हटकर कुछ स्पेशल नाश्ता बनाते हैं पापा के लिए और बस यहाँ पर हमने तैयारी भी शुरू कर दी है। हमने ना दाल के साथ में आलू डाल दिए थे उबालने के लिए
और हमारे इस स्पेशल नाश्ते को बनाने की शुरुआत हमारी हो जाती है आलू के मसाले बनाने के साथ में। तो जो हमने आलू उबाल के रखा हुआ था ना, उसे हमने कुकर से बाहर निकाल लिया है और अभी यहाँ पर हमारे करेले की भुजिया को हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है और हमने डाल दिया फिर उसी कढ़ाई में सरसों का तेल। सबसे पहले हमने मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लिया और फिर लहसुन प्याज तो डालना नहीं है तो हमने लगा दिया अदरक का तड़का, जीरे का तड़का, मिर्ची का तड़का और फिर हमने डाल दिए अपने आलू। थोड़े से हमने मसाले भी डाल दिए जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जो पैकेट वाला मसाला आता है ना वो भी हमने ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया, नमक डाल दिया, धनिया पत्ता डाल दिया और बस हमने आपस में इन्हें अच्छे से अभी मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को हमने आपस में अच्छे से मिला लिया है, आलू को हमने बढ़िया से मैश कर लिया है और आलू मसाला जो हमारा बनके तैयार हो चुका है उसे हमने बाहर निकाल दिया है, फैला दिया है प्लेट में अच्छे से ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर हमने ले लिए है ब्रेड और यहाँ पर एक कटोरी में हमने ले लिया है सूजी, एक कटोरी में ले लिया है पानी और ये रहा हमारा आलू वाला मसाला और ये रहा हमारा ब्रेड। सूजी ना हम महीन वाली या फिर मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं। बाकी कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है गैस पर, डाल दिया रिफाइंड ऑयल, आज को हमने धीमा ही रखा है। बाकी अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं अपने ब्रेड और आलू के ना छोटे छोटे गोल मटोल बॉल्स बनाने के लिए। तो ब्रेड आलू के बॉल बनाने के लिए ना हमने सबसे पहले अपने ब्रेड लेकर के ना पानी में डुबा देना है, बहुत देर तक के लिए नहीं, बस डुबाना है, बाहर निकाल लेना है और फिर दोनों हाथों की मदद से हमने पानी को अच्छे से निचोड़ देना है, दबा दबा करके बिल्कुल हल्के हाथ से दबाते हुए हमें पानी निचोड़ना है, जितना निचोड़ते बने बस उतना ही। और फिर इसके बाद ना हमने ले लेना है बिल्कुल बीच में आलू और फिर चारों तरफ से मोड़ते हुए ब्रेड को हमें बढ़िया सा बॉल शेप दे देना है। यदि हम चाहें ना तो ब्रेड के जो किनारे होते हैं ना उन्हें भी निकाल करके फिर इसके बाद ये वाला काम कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड के किनारे हमने यहाँ पर नहीं निकाले हैं, बाद में ना उन किनारों का बाद में फिर इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है, भूल ही जाते हैं। बॉल बनाने के बाद जब हम इन्हें सूजी में लपेटते हैं ना तो फिर वो किनारे दिखाई ही नहीं देते, पता ही नहीं चलता है, साथ में यूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने कई सारे ब्रेड और आलू के ना बॉल बना के तैयार कर लिए हैं, तो बस एक एक करके हमने यहाँ पर सूजी में लपेटते जाना है और डालते जाना है तेल में छानने के लिए। तेल भी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। सूजी की कोटिंग एकदम बढ़िया से करनी है ताकि कहीं से भी बिल्कुल भी गैप ना रहे। और लीजिए अभी हमने 3 से 4 ब्रेड आलू बॉल्स डाल दिए हैं तेल में फ्राई होने के लिए। हमें बिल्कुल हल्का सा लाल करना है और जैसे ही हल्का लाल होता है हमने बाहर निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, ये हल्के हल्के लाल ही ना बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। बाकी हमने पहली घानी जैसे ही डाल दी है तेल में फ्राई होने के लिए, हम चले पापा को बुलाने के लिए क्योंकि ये स्पेशल पापा के लिए हम आज बना रहे थे, लेकिन पापा अभी बाहर द्वार पर झाड़ू मार रहे हैं और आज आदू बाबा को कॉलेज भी जाना है, 10 बजे निकलना है, तो इसीलिए पापा सारे काम करके बोल रहे हैं, नहा करके सीधे आएंगे छत पर खाना खाने के लिए और नाश्ता भी उसी समय करेंगे। अब देखिए पापा खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, वैसे दोनों ही लगभग तैयार ही है। पापा को ना हमारे साफ सफाई बहुत पसंद है और बहुत मन से करते भी हैं। पापा को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, हमारे द्वार पर जितने भी पेड़ पौधे फल सब्जियां सब पापा लगाते हैं बहुत मन से, और पापा वन विभाग में रहे भी हैं तो इसीलिए उनको ये सब काम करना और ज़्यादा पसंद है। हर रोज़ पापा पूरे द्वार की सफाई करते हैं, एक कोना भी नहीं छोड़ते हैं और द्वार के आसपास का जो सड़क है ना वो भी पूरा बटोरते हैं। और देखिए हम छान ही रहे थे कि तब से पापा आ गए फटाफट से नहा करके, क्योंकि 10 बजे भी निकलना है आदू को लेकर के कॉलेज के लिए। आदू को ना ऑनलाइन अपना सेमेस्टर का फीस जमा करना है, लेकिन ऑनलाइन ना डिपॉजिट करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसे कॉलेज जाना है सही कराने के लिए सब कुछ, और इसमें कितना समय लगेगा कुछ निश्चित नहीं था, इसीलिए हमने पापा को पहले खाना ही परोस दिया है। इधर बीच पापा को सर्दी जुकाम है तो चावल नहीं खा रहे, इसीलिए रोटी दाल सब्जी ही हमने परोसा है। बहुत दिनों से सोच रहे थे पापा के साथ वीडियो बनाने के लिए और इतने दिन से सोचते सोचते हिम्मत जुटाते जुटाते आज अपने पूरे परिवार का हिम्मत और साथ में हमारा पूरा हिम्मत मिला के पापा से आज बोल दिया और पापा के साथ आज वीडियो बनाने का सपना भी पूरा हो गया। बहुत अंदर से बहुत डर लग रहा था, जब तक पापा बैठे हुए थे ना बहुत डर लग रहा था, हाथ नहीं चल रहा था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बस भगवान की दया है और आप सभी का आशीर्वाद है, हो गया सब। आज भी जब वो वाला दिन याद करती हूँ ना जब पापा को पहली बार पता चला था, वैसे तो बताना तो चाहते थे पापा को अच्छे मौके पर जब कि पापा को खुशी मिले, लेकिन पहले ही सब कुछ पापा को पता चल गया और जब जब वो दिन याद करती हूँ तो बहुत डर लगने लगता है।
बहुत मुश्किल से समझाया था उस समय पापा को, और इसी डर की वजह से ही पापा से कभी बोलना नहीं हो पाता था। पापा के आते ही फ़ोन छिपा देना होता था, वीडियो बनाना बंद कर देना होता था। मन में हमेशा डर रहता था कि पापा डांटे ना, मन में शंका होती थी कि पापा खुश हैं कि नहीं, वो क्या सोचते हैं। लेकिन आज पता है पापा ने हमारे पूरे परिवार के बारे में पूछा, बातचीत की, तो सच में काफ़ी अच्छा लगा। और वो जो बोझ था ना कई दिनों से, बिल्कुल मन हल्का हो गया। हम जिंदगी में ना सभी से जीत सकते हैं, सभी से आगे निकल भी सकते हैं, लेकिन माँ बाप से ना ही जीत सकते हैं ना ही उनसे आगे निकल सकते हैं। जब माँ बाप खुश होते हैं तभी हम जिंदगी में आगे भी बढ़ पाते हैं। उनका आशीर्वाद किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये लीजिए, आपसे बातों ही बातों में हमारे सारे ब्रेड आलू बॉल्स बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। पापा खाना खा लिए थे पहले, इसीलिए बाद में सिर्फ एक ही आलू और ब्रेड बॉल्स लिया उन्होंने। बाकी लीजिए, यहाँ पर लग चुकी है हम सभी की प्लेट, तो आइए नाश्ता करते हैं। बहुत ही टेस्टी और दिखने में कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी आलू ब्रेड बॉल्स, लेकिन नहीं, ये खाने में और भी ज्यादा सुंदर और टेस्टी है। बड़े मुश्किल से आज आलू खाएंगे ये। नहीं खाना रोटी सब्जी, तू रोटी सब्जी तू, करेले की भुजिया तू, करेले की भुजिया टेस्टी है। हमारी आदू को ना कुछ भी तला भुना खिलाना बहुत ही मुश्किल है। बाकी ये देखिए, मम्मी आ चुकी है दुकान से कई सारे सामान लेकर के। और ले लो बच्चे, एक और ले लो, एक और ले लो, इतना हम बनाया किसके लिए बनाया है बताओ। अरे ये ज्यादा ऑयली नहीं होता, ये सूजी लपेटे है ना, इसमें तेल कम सूखता है। एक और ले लो, अच्छा ये छोटा वाला, छोटा वाला, अच्छा ये छोटा वाला ले लो, छोटा ले लो मेरी प्यारी बहना, मेरी लाडली बहना, एक और खा लो। तो बिल्कुल फुसला फुसला कर हमने आदू बाबा को आज खिला ही दिया अपने आलू और ब्रेड के बॉल्स। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल क्रंची क्रंची से लग रहे हैं खाने में। आप लोग को कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी यहाँ पर अभी ना सारे काम हमने ख़त्म कर लिए अपने, और निकल रहे हैं हम और आदू बाबा अभी मार्केट के लिए। आदू का जो प्रॉब्लम था ना डिपॉजिट करने में फ़ीस, वो अपने आप ही सुधर गया है। अभी आदू ने मोबाइल में चेक किया, तो अभी हम लोग ना मार्केट से ही जा रहे हैं फ़ीस जमा करने के लिए। तो पापा के साथ हम और आदू निकल रहे हैं मार्केट के लिए। पहले तो आदू ही जाने वाली थी पापा के साथ में, लेकिन फिर हमारा भी जाना तय हो गया, तो पापा यहाँ पर गाड़ी निकाल चुके हैं। लेकिन पापा को फ़ोन आ चुका है, तो पापा अभी बात कर रहे हैं, और बात कर लेने के पश्चात अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। पहले तो आदू का ही जाना था पापा के साथ में, लेकिन फिर याद आया कि मम्मी का ब्लाउज लेना है, कई दिन हो चुके हैं देने के लिए और हम भूल ही गए थे, तो इसीलिए हम भी पापा के साथ में अभी निकल चले हैं। सबसे पहले तो हमने जाना है साइबर, वहाँ पर आदू का फीस जमा कर लेंगे, फिर इसके बाद चलेंगे मम्मी का ब्लाउज लेने के लिए। तो अभी आदू का हमने फीस जमा कर लिया है, और अभी हम आ चुके हैं मम्मी का ब्लाउज लेने के लिए। तो बस हम आ चुके हैं अपनी भाभी की दुकान पर मम्मी का ब्लाउज लेने के लिए। जब भी हमें ब्लाउज सिलाई करानी होती है ना, तो भाभी को ही हम देते हैं अपना ब्लाउज सिलने के लिए। भाभी बहुत अच्छा ब्लाउज सिलती है। ये हमारी गांव की ही भाभी हैं, गांव में ही ये दुकान है भाभी का, और घर भी है इनका यहीं पर, यहीं पर ये सिलाई भी करती हैं। सिलाई के साथ साथ ना भाभी यहाँ पर अपना एक पार्लर भी चलाती हैं, तो जब भी थ्रेडिंग बनवानी होती है तब भी भाभी के पास ही आना होता है, और कहीं नहीं जाना होता है, क्योंकि बाकी जगहों पर ना बहुत तेज़ी से सभी बनाते हैं ना, तो बहुत दुखता है, तो इसीलिए भाभी के पास आके बनवाते हैं, क्योंकि भाभी बिल्कुल इत्मीनान इत्मीनान से रुकते हुए बनाती हैं। फिर पता नहीं कब आना होता है, इसीलिए ब्लाउज लेने आए ही थे, तो सोचा बनवा लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में ज़्यादा आ जाते हैं तो और ज़्यादा दुखने लगता है बनवाते समय। तो बस यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं हमारे, और हम निकल चुके हैं अपने गांव की गलियों की तरफ और अपने घर की तरफ। और ये जिस तरफ से हम जा रहे हैं ना, इधर एक तरफ हमारा खेत है, सामने वो जो दोनों पेड़ दिख रहे हैं ना, बस उसी पेड़ के पास में है हमारा खेत, और इधर एक तरफ ना ट्यूबवेल भी है। और ये देखिए छोटा सा बकरी का बच्चा कितना अच्छा लग रहा था देखने में, मन कर रहा था गोदी में लेके खिलाने का, लेकिन जैसे इसके पास जा रहे थे दूर भाग गया। बाकी चलिए अब हम निकलते हैं फटाफट से अपने घर की तरफ, क्योंकि दोपहर हो चुकी है और लेट भी हो गया है। बाकी बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने आज के सफ़र को, आज के वीडियो ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा, यूँ ही हमेशा जुड़े रहिएगा। अपना परिवार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।